सलाम अलैकुम। मैं इस टाइम टंगमरा के क्रिकेट ग्राउंड में हूँ। हम फ्रेंड्स आए यहाँ पे मैच देखने के लिए। हमने सोचा कि आज तीसरी ईद है, थोड़ा घूमेंगे और मैच भी देखेंगे। लेकिन जब हम नीचे आए ग्राउंड में, हमने देखा कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है। यहाँ पे सिर्फ गोबर ही गोबर दिखता है, गोबर के बगैर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। खासकर जो इसका ऑफ साइड है, इस ग्राउंड का ऑफ स्टम्प है, उसमें सिर्फ गोबर ही गोबर है। ये देखिए जी, मैं आप लोगों को वीडियो से दिखा रहा हूँ कितना गोबर है यहाँ पे। एक टीम से ये टूर्नामेंट वाले जो टूर्नामेंट निकालते हैं, ऑर्गेनाइज़र होते हैं, एक टीम से कम 7,000 के करीब पैसे लेते हैं। और दूसरी जानब इनको ये यहाँ पे फैसिलिटी भी नहीं रखते हैं। मतलब कम, ये जो ऑफ स्टंप पे फील्डिंग करेगा कोई भी प्लेयर हो, वो कैसे फील्डिंग कर सकता है? इनको अगर फील्डिंग करना होगा तो वो गोबर पे ही पड़ेगा। ऊपर से यूनिफॉर्म भी ख़राब, एज़ वेल एज़ अगर उनका वो पैर या कोई या आरम वारम उस पर लग सकता है, इंजरीज भी हो सकती है। ये ख्याल रखना चाहिए इन ऑर्गेनाइज़र उसको कि ये गोबर हटाना चाहिए था यहाँ पे। बाकी ग्राउंड की फैसिलिटीज़, मतलब ग्राउंड का जो लुक है वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हाई अल्टीट्यूड पे लोकेट है ये ग्राउंड। ये हमारा सब डिवीज़न है यार, जब हमारा सब डिवीज़न ही ख़राब हो, जो इसके एडजेसेंट गाँव है उनमें ग्राउंड होंगे, तो उनको हम कैसे ब्लेम कर सकते हो आप फैसिलिटीज़ नहीं रखते हो? जब हमारे जो टॉप ग्राउंड से उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो उनको हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? तो मेरी गुजारिश होगी टूर्नामेंट वालों से, वो पहले इस ग्राउंड को साफ करें। बाकी